कार्तिक का महीना आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं होगा। तो स्कंद पुराण कहती है, कुमार खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को, किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर पांच परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज दसवीं तिथि को, नौवीं को तो ये करोगे, दसवीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। मान वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ, और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है, हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा? तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा है। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर
शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्ष्या प्रवृत्ति अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है, कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्ष्या जागती है, अपने आप अंदर से ईर्ष्या जागती है, उसका कोई बेर नहीं, पर ईर्ष्या जाग रही है, भीतर से ईर्ष्या जाग रही है। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल के आए। कभी उनका सामना हुआ? नहीं हुआ। तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला, मालूम पड़ गया, तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे, पिताजी 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 कर जगाया, उठो पिताजी पिताजी उठिए, पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे, क्या करें हम, जलंधर के पास में इतना बल है और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तुम मार दे, मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिवजी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें, क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितनी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं, शंकर जी भी तप में है, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूं? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं, अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में, नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए, नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुल गए। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं, नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वो अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं वो अच्छे से समझ ले इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, महादेव के खुले हैं, शिवजी के खुले हैं। ये मन का तार
नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे, यहाँ कहा यहाँ पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी, वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। उसको जानो, लुटाइए, ये मौका मिला है आनंद का, दिल से प्रेम लुटाओ। नंदी से कहा, नंदी ने देवदिदे महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आंख बंद कर कर बैठे थे, कहते सही भगवान गणेश के शब्द शिवजी तक पहुंच गए, शिवजी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है, आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते। नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहां खड़ा मिले, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा मिले। आशुतोष महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव तत्व की कथा आशुतोष शिव महापुराण कह रही है, कहा वहां तक पहुंचा दिल से दिल का कंठ। जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं, बोले हो कभी, सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका, नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के दो पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये दो डंडी, ये बीच की दो पत्ती और उसके बीच में जो दो डंडी का भाग होता है, जब हम देवदिदे महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशुभ सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवदिदे महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही, ये बेलपत्र की महत्व, ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर जब वापिस आओ, तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। नंदी के ईश्वर भगवान का स्मरण करिए, अगर 7 बेलपत्र आप शंकर को समर्पित करते हो तो 1 बेलपत्र नंदी भगवान पर भी अवश्य समर्पित करो, नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पण, 1 बेलपत्र नंदी के ईश्वर की ओर चढ़ो। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए
और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की छह लड़कियां हैं उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए, फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीकेश्वर, भगवान नंदीकेश्वर का स्मरण कर लेने पर जीव आनंद सुख की अनुभूति करता है, आनंद सुख को पाता, भगवान नंदीकेश्वर का स्मरण। पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ ही एक ऐसा है जहां पर ओम कुंड विराजमान है। कौन सा कुंड है वहां पर? ओम कुंड। जो बच्चा हकलाता है, तोतला बोलता है या गूंगा होता है, जिसकी वाणी नहीं होती, वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मुंह से घुन की आवाज निकलती है उतनी देर तक ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है, और 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है, तोतला बोलना छोड़ देता है, और उसकी वाणी आ जाती है। वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बसता है। कहां बसता है? केदार, केदारेश्वर।